क्या दुबई आने के बाद और दुबई में थोड़ा अरसा काम करने के बाद हम यूरोप साइड पे मूव हो सकते हैं? यूरोप जाना यहाँ से आसान है कि नहीं है? अगर आप लोग ये माइंडसेट लेके यहाँ पे आना चाह रहे हैं या ये माइंडसेट रखते हैं कि भाई यूएई आए यहाँ पे काम करें और फिर आगे निकलें, ये एक वर्ड चल रहा होता है ना, आगे निकलें, आगे देखिए, तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपकी क्लैरिटीज माइंडसेट आपका क्लियर करना है कि भाई एक्चुअली लोग कैसे जाते हैं और कैसे जा सकते हैं। देखें, बुरा नहीं है अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, यू आर गुड टू गो, राइट। लेकिन शॉर्टकट जो बहुत तेजी से साथ खेला जाता है उसका बताता हूँ, और एक होता है जो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बड़ा जेन्युइन काम होता है, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले दो तरीके हैं, या तो शॉर्टकट मारें, शॉर्टकट में मरण मराई ज्यादा होती है और मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझते हैं, और एक होता है थोड़ा सा तरीके से जाना। लोग जा रहे हैं, लोग यहाँ से कैनेडा भी गए हैं, बहुत अच्छी पोस्टों पर जाके लगे हैं, लोग यहाँ से यूरोप भी गए हैं, बहुत अच्छी पोस्टों पर जाके लगे हुए हैं जो यूएई से काम करने के बाद गए हैं। अब जाना कैसे है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप अपनी होम कंट्री में बैठे हैं या आप अभी यहाँ पे आए हैं, विजिट पे आए हैं, काम करना चाहते हैं, आप लोगों को ना खलबली मची होती है कि भाई आज के आज अभी के अभी यहाँ से निकलें और यूरोप की हवाओं फिजाओं में जाके सांस लें। ये जल्दबाजी आपको मरवा देती है, ये जल्दबाजी आपको किसी एजेंट का नंबर दिलवा देती है, ये जल्दबाजी आपसे कुछ गलत काम करवा देती है। ना सिर्फ आप यहाँ से चले जाते हैं, यूरोप तो दूर की बात, यहाँ से भी अपने आप को बैन करवा के चले जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, एक भाई मेरा आया था और उसने जाना था यूरोप, ठीक है, यूरोप के लिए मूव कर रहा था, इटली के लिए उससे बात हुई थी, एक बंदे को पैसा दे के आया था, बंदे ने इधर उसको बुलाया, इधर रखा, उसे क्या कहा, ज़रा बात गौर कीजिएगा। उसे कहता है मैं तेरा यहाँ पे वीज़ा लगाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, 3-4 महीने बैठी तुझे मैं यहाँ से आगे निकाल दूंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की, अब जो नया बंदा आता है उसको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, लेकिन जो उसको लेके आया था दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो वट दे आर डूइंग। उसने उसको बुलाया, उसका अकाउंट खुलवाया, उसका सब कुछ खुलवाया, उसके नाम पे लोन वगैरह उठाया, वो सारा जंतरबाजी जो क्रिएट होती है वो करके पैसा उठा लिया। उसने कहा मैं तुम्हारा मतलब खर्चा भी इतना नहीं होगा, क्योंकि उसने उसी का पैसा मरवा के वहाँ से आगे निकलवाना था। अब पैसा उससे निकलवा लिया, आगे आपको पता है पैसे निकलवा लें 3-4 महीने वापस ना करें तो फिर बैन पड़ता है, केसेस पड़ते हैं, सब कुछ पड़ता है। अब वो भाई साहब जब उसे कह रहा है मैंने जाना है, अब वो कहता है भाई वीज़ा एक जगह पे छोटी कंट्री का, तुर्की का अप्लाई किया, बात हुई इटली जाने की और करता तुर्की क्या, और तुर्की से भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखें एम्बेसी वाले बड़े सियाणे हो गए हैं, उनको समझ आ जाती है कि एक महीना बंदा यहाँ पे आया, पहले कभी नहीं आया, 2-3 महीने काम किया और तुर्की जाना चाह रहा है, मेरी बात समझे ना, तुर्की क्या बराए बजाय वो कहते हैं ना बजरिया गूगल के मैप के आप लोग वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें भी पता है भाई सारे सियाणे हो गए हैं। अब ये ना समझें कि सिर्फ आप ही सियाणे हैं, गूगल तक सियाणा हो गया क्योंकि गूगल भी बॉर्डर क्रॉसिंग का कभी कभी वे दे देता है गूगल के थ्रू भी, तो एक भाई ने मेरे ख्याल से गूगल से भी डोंकी लगाई हुई है, वो अगली बात है। ये शॉर्ट तरीके हैं, ना जाइएगा मारे जाएंगे, शॉर्ट टर्म में आपके ऊपर बैन लग सकता है, ट्रैवल बैन पक्का लग सकता है, कुछ कर नहीं सकते। नंबर टू है तरीके से आएँ, कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें यहाँ पे, जब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है ना देन यू आर गुड टू गो कि भाई आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, अब आप करना चाह रहे हैं कि भाई आगे जाना है, आपकी सैलरीज प्रॉपर आई हुई है, आपकी डेस्टिनेशन प्रॉपर है, आपकी कंपनी के अंदर वीज़ा अच्छा लगा, आप उसकी बेस के ऊपर जो है ना आगे का लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ गए हैं, आप बेशक लेबर्स में आ रहे हैं या बेशक हायर में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक बाइक राइडर हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक वाइट कॉलर जॉब करने वाले अकाउंटेंट हैं, एडमिन का स्टाफ है, सेल्स का स्टाफ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमेशा यहाँ पे पूरा करें, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं 2 साल अपने पूरे करें, दूसरा कंटिन्यूअर के बाद आप अप्लाई करें विजिट वीज़े के लिए सबसे पहले, ठीक है। और कोशिश करें अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, थोड़ा पैसा जमा हो जाता है, तो जो वीज़ा फ्री कंट्रीज आपको मिल जाती हैं यूएई के रेजिडेंस होने के ऊपर, उन कंट्रीज को विजिट कर लें साथ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, मैं कह रहा हूँ ताकि आपको भी नो हाउ हो आप क्या करने जा रहे हैं लीगल वे से, किसी एजेंट को बीच में नहीं डाल रहे, किसी को भी नहीं, फिर मार्केट को समझें आप करने क्या जा रहे हैं, किस कंट्री में जाना है, क्या काम करना चाह रहे हैं और उस चीज़ का उस कंट्री में स्कोप है कि नहीं है। अगर आपको समझ आ रही है आपकी स्टडी के थ्रू, नॉट ओनली कि कोई एजेंट बता रहे, कोई बंदा बता रहे कि हाँ उधर जाओ, उधर जाके पैसा इतना लगाओ, इतना दो या इस बंदे को दे दो तो जाके वहाँ पे काम हो जाएगा, नहीं करना ऐसा। सर्च कर लें, अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं यू आर गुड टू गो, आपकी अगर प्रोफाइल यूएई के अंदर इतना तगड़ी बनी हुई है ना, जहाँ से बंदा इजीली उठाया जा सकता है के आपके होम कंट्री में जाके आपको उठाया जाए, नहीं समझ रहे हैं बात, क्योंकि यहाँ के बंदे को फिर कंसिडर थोड़ा प्लस पॉइंट में हो जाता है एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री। तो वाई नॉट नाउ, आप ये कर सकते हैं, आप करने वाले बने, आप यहाँ पे आएँ ईमानदारी से जॉब का यहाँ पे लें, बैठें, काम करें, विजिट के लिए अप्लाई करें, निकलें, आगे जाके चीज़ों को देखें, कंपनीज में मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, जैसा यूएई में आके आपने जॉब मिली है वहाँ पे ही मिल जाएगा, लेकिन एक तरीका है, उस तरीके के थ्रू जाइए।
इलीगल वेज प्लीज़ नहीं जाइए, एजेंट लोगों से रब्ता मत कीजिए, वो लोग सिर्फ आपका जो भी बचा कुचा बचा पैसा होता है वो भी उठा लेंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, काइंडली ऐसा काम मत कीजिएगा। आप खुद करना चाहें तो जा सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए हैं, शॉर्टकट वे में नहीं जाना, थोड़ा सा लॉन्ग ले लें, बड़ा रिलायबल वे होगा, आप यूरोप भी जा सकते हैं जाना चाहें। मैं तो कहता हूँ यूएई की मार्केट इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा बूम कर रही है कि आपको यूरोप के ख्वाब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप जाना चाहते हैं, यू आर गुड टू गो, ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है डेफिनेटली। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और किस कंट्री के बारे में आप सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं या किस माइंडसेट से हैं, मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो पूरी डिटेल में बता दूंगा यहाँ से दुबई से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, लाइक और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।